पोको X6 प्रो है, इसके ऊपर मैं करने वाला हूँ डिटेल्स रिव्यू। और स्टार्टिंग में आपने अनबॉक्सिंग देख लिया होगा। अब जो है रिव्यू के अंदर कई सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक चाहिए, और चैनल में पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब मैंने फ़ोन को ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद मुझे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे ब्लॉटवेयर एप्लीकेशन देखने को मिले, जो कि काफ़ी काम का है। अगर आप नॉर्मल पीपल हैं, आपका तो वाट लगने वाला है। अगर ये फ़ोन आप बाय करते हो तो अगर फ़ोन के अंदर इतने सारे फालतू के एप्लीकेशन है, जो कि आपको भी अच्छा लगेगा कि यार ये एप्लीकेशन तो बिना इंस्टॉल किया आ गया। ऐसे भी कई सारे लोग आज के टाइम में भी है जो कि नया फ़ोन ओपन करते ही कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल अगर ऑटोमेटिक दे के छोड़ता है कंपनी, तो उनको लगता है कि भाई हमारे लिए तो आसान हो गया। मतलब कंपनी अगर ये एप्लीकेशन सब साथ में दिया है तो हमें फालतू के एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, जो कंपनी दिया उसी को यूज़ करेंगे। बबल शूटर का देख सकते हो 36 गेम इसके अंदर भरे पड़े हैं, कई सारे गेम। फिलहाल मैं इसको टेस्ट करने के लिए 2-3 गेम यहाँ पे मैं पर्सनली डाला हूँ। इसके बाद एक एप्लीकेशन अंतुतु बेंचमार्क, बस उसके बाद अगर आप काउंट करेंगे ढंग से तो इसके अंदर आपको अनगिनत ऐप ही ऐप देखने को मिलेंगे, जो कि बिना मतलब के ब्लू मार्क आपको दिख रहा ना। जब मैं फ़ोन ऑन किया था वाईफाई ऑन करके, ये एप्लीकेशन थे ही नहीं उस टाइम, तो ऑटोमेटिक एप्लीकेशन पता नहीं कैसे कैसे रातों रात इंस्टॉल हो गए और इसके साथ कनेक्ट होते ही मुझे लगा हाइपर ओएस बहुत अच्छा होगा, बट यहाँ पर सीन थोड़ा सा गड़बड़ है। चलिए, ये था कि कुछ अच्छा खासा ब्लॉटर के बारे में जाते हैं आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हालत बना रखा है यहाँ पे। अगर आप इकट्ठा करोगे अजीब टाइप का फील होता है। खैर, जब मैंने बॉक्स ओपन किया था आपको बताया था ये डॉस्ट ऐसा है ना, कवर बेस्ट है, साथ में इसलिए बढ़िया कवर इन्होंने दे रखा है, अच्छा कवर। मैं माइक के पास ले आता हूँ तो अब आप पता चलेगा, ये ठप ठप सी आ रही आवाज। और मैं ढंग से चेक किया, अगर जो भी भाई ये वीडियो को अगर देख रहा है, कोई दूसरा यूट्यूबर अगर ये पोको X6 प्रो के ऊपर वीडियो बनाया, तो उनको कमेंट जरूर करना कि स्पेक्टर ब्लैक वाला जो मॉडल है उसके अंदर ऐसा उनको लगता है जैसे पत-पत सी, ऐसा लग रहा है बीच में कोई गैप है। आप ध्यान से देखोगे ना पता चलेगा। ओके, फोन को अगर खाली फोन को मैं वजन करता हूँ तो मेरे पास 186 ग्रामेज आ जाता है। अगर साथ में कवर फिक्स करके छोड़ देता हूँ, ये 205 ग्रामेज। अगर कवर आप लगा भी देते हो ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे कवर का मैं रिव्यू लाऊंगा। कवर लगाने के बाद फोन एकदम से फिक्स हो जाता है, और मैं ज्यादा वेट वाला फोन यूज करना पसंद नहीं करता, लेकिन ये फोन जो है मुझे इतना कोई वेट नहीं लगता है और एकदम से प्रीमियम लुक आ जाता है जब इसका कवर चढ़ जाता है। स्टार हच 07 हच, यहाँ पर देख सकते हो 1.6 वाट केजी जो है ये परफेक्ट है एक ह्यूमन बॉडी के साथ कनेक्ट होने के लिए। अब इसके अंदर गूगल डायलर नहीं है, हमें परफेक्ट MIUI डायलर देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पे रिसेंट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग बटन पर टैप करने के बाद मोबाइल नेटवर्क कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन आ रहा है, परफेक्ट कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन आ जाता है। चलो मैं एक छोटा सा डायल करके दिखा देता हूँ, 198। आप देख सकते हो वो जमाना फिर वापस आ गया यहाँ पर। पुराना दिन वापस आ चुका है भाई लोग। अगर आप MIUI के टाइम में यूज करते थे ये वाला डायलर, आप हाइपर ओएस में भी देखने को मिल जाता है। ये जो फालतू का एप्लीकेशन आप देख रहे हो ना, ये आराम से निकल भी जाएगा, है ना। मैं इसको क्लीन करने के एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा। जो अंतुतु बेंचमार्क मैंने चेक किया था बॉक्स के ऊपर, मैंने देखा था 1.4 मिलियन समथिंग, मतलब 14 लाख समथिंग हमें देखने को मिलता था, 13,80,000 समथिंग मेरे को देखने को मिला। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है ना। यहाँ 3 गेम मैंने सेट करके रखा हूँ, कुछ गेम मैंने चेक किया था। वाइल्ड बूस्ट 2.0 जो गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन है वो काफी बढ़िया रहता है, आप गेम देखोगे ना मजा आ जाएगा। चलो मैं पहला ट्रायल ले लेता हूँ। असफल 8 जरा ध्यान रखना, इसका क्वालिटी गेम का और परफॉर्मेंस जबरदस्त है।
मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा, क्या आप लोगों को भी नहीं लगा होगा कि भाई इसका कहीं रुकावट है ना। बॉक्स मैंने ओपन करने के बाद मुझे आउट ऑफ बॉक्स हाइपर ओएस देखने को मिला था 1.0.1.0 है ना, और यहाँ पे एंड्रॉइड 14 के साथ 1.5 के एंड 120 हर्ट्ज का जो एमोलेड डिस्प्ले है काफी बढ़िया है, 68.7 बिलियन कलर जनरेट करता है, वो भी काफी बढ़िया। मैं जस्ट इसको प्ले करके दिखाता हूँ यूट्यूब वीडियो, यहाँ पर एडवांस में देखिए 2160p 60fps हाईएस्ट क्वालिटी इसके अंदर देखने को मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी आप चेक कर सकते हो, इसको मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा, परफेक्ट इसके अंदर मुझे देखने को मिलता है डिस्प्ले के अंदर। थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं, ओ भाई साहब क्या कलर लेके आए भाई, आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है ना काफी जबरदस्त होने वाला है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसके अंदर हमें बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर है, और आने वाले टाइम में वो सब मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। फिलहाल जो है इसके अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, जरा एक बार सेटिंग करके देख लेते हैं। परफेक्ट, वाह, स्क्रीन लॉक बहुत अच्छा, एनिमेशन वगैरह बहुत बढ़िया है। कैमरे के बारे में, कैमरे के ऊपर भी अलग से वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, और फिलहाल जो है अभी हम बता देते हैं कि फ्रंट कैमरा में आप जो है अगर फ्रंट कैमरा में वीडियो सेट करते हैं तो इसके अंदर आपको देखो 1080p के अंदर 60fps में भी लाटेस्ट HDR 10 प्लस में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और बैक में 4K 30fps और 1080p का 60fps था कि भाई शॉर्ट फिल्म, पहले ब्लॉग मोड था, अब शॉर्ट फिल्म ऑप्शन आ गया। शॉर्ट फिल्म में आपको सिर्फ 8 टाइप का देखने को मिलता है, 6-7 टाइप का, आने वाले टाइम में हमें और भी अपडेट मिल जाएगा। और डुअल वीडियो में आप देख सकते हो बैक और फ्रंट का ये सेटअप है, आप मैनेज कर सकते हो, अगर किसी को बड़ा छोटा करना है वो भी मैनेज हो जाएगा। डुअल वीडियो भी फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स जो है पहले भी MIUI में था, इसमें भी सारे फीचर्स हैं, थोड़ा सा नाम वगैरह चेंज हो रखा है। सेवन वाट का एक टर्बो चार्जिंग देखने को मिलता है, मैं वेट कर रहा हूँ जब ये 0% होगा तब मैं 0 to 100% चार्जिंग करके देखूंगा। और साथ में इस बार थोड़ा सा चार्जिंग का लावा अग्नि 2 का भी 67% है, लावा अग्नि 2 के अंदर हमें 67 वाट का भी देखने को मिलता है, और दोनों का कंपेरिजन हो जाएगा एक साथ चार्जिंग की, कौन सी चार्जर जल्दी चार्जिंग करता है। डुअल स्पीकर इसके अंदर, डुअल स्टेरियो स्पीकर ऑप्शन, डॉल्बी एटमॉस ऑन हो जाता है यानी कि सपोर्टेड है। मैं एक काम करता हूं, कोई म्यूजिक प्ले कर देते हैं, एक चीज बताऊंगा, कवर, ये कवर लगाने के बाद भी जब साउंड होता है ना, दोनों तरफ से साउंड आता है, यहां ना यहां वाइब्रेशन होता रहता है, मैं आपको दिखाता हूं। कोई छोटा सा चीज रखूंगा उससे पता चलेगा, आपने देख लिया ना जो इसके अंदर जब साउंड होता है यानी डुअल स्पीकर के अंदर दोनों तरफ से जो साउंड आता है सराउंडिंग साउंड स्टेरियो स्पीकर में ये ऑटोमेटिक हिलने लगता है। मैंने कुछ नहीं किया था, टच नजदीक दिखाने के लिए मैं ऊपर उठाया था, बट ये ऑटोमेटिक जो है वाइब्रेशन होके घूमता रहता था। अगर चावल वगैरह भी रखेंगे वो भी उछलने लगेगा, टेस्ट करके जरूर देखना, आप कहते हो तो मैं एक बार चावल टेस्ट डाल दूंगा। मुझे याद है कि पोको X3 जब आया था उस टाइम हमें बहुत वाइब्रेशन देखने को मिला, बहुत सारे वाइब्रेशन देखने को मिला था। अगर ये फीडबैक पोको टीम के पास जाएगा हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ अपडेट वगैरह देके वाइब्रेशन इसके अंदर सेटअप चेंज हो जाएगा। फोन को अगर आप बाय करते हो 3 साल तक आपको एंड्रॉइड का मेजर अपडेट मिलेगा, देन 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा।
बस ये था एक बहुत लंबा सा और बहुत टेंशन वाला मेरे लिए एक रिव्यू। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो, भाई इस वीडियो को आप लाइक करो, चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए पोको एक्स 6 प्रो के ऊपर और भी वीडियो लेके आऊँ। मिलेंगे नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।